हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही चटपटा और मज़ेदार आंवले का अचार बनाया है, जो अगर आप मेरे तरीके से आंवले का ये अचार बनाते हैं ना, तो सभी लोग आंवले का अचार खाना पसंद करेंगे। और आंवला हम खाते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बड़े बड़े आंवले के पीसेस ले लिए हैं, आप देख लीजिए। आंवले को मैंने धो लिया है, आधा किलो 500 ग्राम मैंने आंवला लिया है और एक छोटा ग्लास पानी कढ़ाई में डालकर इस तरीके से चालनी रखा है इसके ऊपर। अगर आपके पास ऐसी चालनी नहीं हो तो आप आटे चालने वाली चालनी भी ले सकते हैं और इसको ढक देंगे। उबालना है 7 मिनट तक, इसको पकाना नहीं है, मतलब फटे नहीं, सिर्फ इतना ही पकाना है। देख लीजिए, ये 7 मिनट तक पक चुका है। इस गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और ये सिर्फ पका है, फटा नहीं है। आप देखिए, इसकी फांकियां नहीं आपको अलग अलग दिख रही होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस तरीके से आंवले का अचार बनाएंगे तो आपका ये आंवले का अचार 2 से 3 साल तक चलेगा। और आंवला अगर विंटर की सीज़न में नहीं खाया तो कब खाएंगे? तो आंवला तो किसी भी रूप में आपके शरीर में, आपके बच्चे के शरीर में जाना ही चाहिए। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, धनिया, राई, मेथी, कलौजी, जीरा, अजवाइन 1-1 चम्मच ले लिया है मैंने। और देखिए, आपको मैं आंवला भी दिखा रही हूँ। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, आंवले के साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप मेरी इस तरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में जितनी चटपटी है ना मैं बता नहीं सकती। और आंवला तो एक एक पीस भी अगर हमारे खाने में कोई दे देगा तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, तो आप अपने बच्चों को या आपके घर में जो लोग भी हैं तो ज़रूर इस तरीके से आप आंवला ये उनको दीजिए। आपके घर में बहुत लोग शुगर के पेशेंट भी होंगे तो वो लोग तो मीठा आंवले का मुरब्बा खा नहीं सकते, लेकिन इस तरीके का अचार तो आप उनको दे ही सकते हैं खाने के लिए। तो आंवले से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आप लोगों को पता है कि आँखों के लिए, बाल के लिए, यहाँ तक कि इसमें ऑक्सीजन भी इतना ज़्यादा रहता है कि हमको बहुत सारी सर्दी, जुकाम, हेंथ, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फाकी सब अलग कर ली है और ये फाकी अलग करते हुए इतना नहीं उबाला था, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मैं एक इंच का लगभग इस तरह से मिर्ची को काट रही हूँ, हरी मिर्च है ये बहुत तीखी भी नहीं है, मीडियम तीखी है। फ्रेंड्स, तो देखिए ये बहुत चटपटा हमारा अचार बनने जा रहा है। और जो भी मैं सामग्री डाल रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख के भी लेके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे पहली बार है, वीडियो पसंद आ रही है, ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी इस तरीके का आंवले का अचार बनाते हैं तो मेरी रेसिपी कैसी बनी ये बताइए, या फिर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी देखने के बाद कब बनाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की रेसिपी तो ज़रूर हमारे घर में शामिल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हमारे घर में इस तरीके की हेल्दी डिश शामिल होगी तो हमारे घर में हर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मैंने मिक्सर में मसाले पीस लिए और 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें मसालों को डाल दिया। हल्का सा मतलब रोस्ट हो जाएगा इस मसाले, गरम तेल में डाला है। और तेल की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। इसमें 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी मिर्च के साथ ही मिला हुआ है। और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, किसी को कम पसंद रहता है, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद रहता है नमक वाला। तो देखिए, अब इस अच्छे से ये मसालों के साथ में इनको मिला देंगे। फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको कितने अच्छे तरीके से ये मिल रहा है? बस अगर ये जो मैंने अभी तैयार किया है आंवले का अचार, अगर ऐसे अचार को आप 1 से 2 साल स्टोर करना चाहें, रखना चाहें, तो आप इसमें सरसों के तेल की मात्रा और बढ़ा दीजिए, गरम तेल करके ठंडा कर लीजिए और इसमें आंवले के अचार में मिक्स करके रख दीजिए। तो देखिए कितना चटपटा, रसीला, मज़ेदार दिख रहा है ना फ्रेंड्स। और आंवले की ये रेसिपी को ज़रूर आप बना के खाइए मेरे बोलने से, क्योंकि इस सीज़न में आंवला हर जगह आसानी से मिल जाता है, जो हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप अचार बनाएंगे तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। मुरब्बा बहुत लोग को पसंद होता है, नहीं पसंद होता है, तो देखिए ये मेरी ये रेसिपी आंवले के अचार की तैयार है। तो कैसी बनी ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए, बहुत ही चटपटी बनी है। मैंने तो
बनाते समय ही इसकी खुशबू ना पूरे घर में गूंज गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी दिख रहा है ना आंवले का ये अचार। तो आप ये अचार कब बनाएंगे ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। मेरे ये आंवले के अचार को मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर ये दिख रहा है। एक फाकी में आपको इस तरह से मसल के दिखा रही हूँ, कितना देखिए जूसी है। आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ जैसे मन करे वैसे खाइए। तो मेरे आंवले का ये अचार तैयार है और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, बहुत चटपटा बना है फ्रेंड्स। ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए।